हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एमित्र राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले को आधार कार्ड को लेकर। दोस्तों पिछले वीडियो हमने बताया था कि आप सीएलसी आधार के लिए आवेदन कैसे करेंगे, और दोस्तों मेरा जो यहाँ पे आईडी भी जनरेट हो गई है सीएलसी आईडी के लिए, टेबलेट के लिए मेरी आईडी सक्सेसफुल जनरेट हो गई है। इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ आपके पास किस तरह से मेल आएगी, क्या उसमें लिखा होगा, किस तरह से पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा जानकारी वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दिखा सब्सक्राइब वाला, इस पर क्लिक करना, पांच बेल आइकन दबा के और पे क्लिक कर देना। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले आधार सीएलसी यानी बच्चों के चाइल्ड आधार के लिए मैंने अप्लाई किया था, मेरा अप्रूवल भी हो गया था, मैंने भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद दोस्तों अभी मेरे पास मेल आई, मेरी आईडी जो है वो जनरेट हो चुकी है दोस्तों, और टेबलेट एक दो दिन के अंदर मेरे को मिल जाएगा। तो आईडी और आपको मेल दिखाऊं, मेरे पास मेल आई, किस तरह की मेल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेता हूं अपने जीमेल के अंदर, और जीमेल के अंदर आने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो आज ही मेरे को शो हुआ 13:25 पे आधार सुपरवाइजर एक्टिवेशन। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो आधार सुपरवाइजर एक्टिवेशन, तो यहां पे यू आई डी ने यहाँ पे जारी किया गया, यहाँ पे यू आर हैज इनलोड सुपरवाइजर RISL योर सुपरवाइजर आईडी, यहाँ पे मेरी आईडी यहाँ पे RGCH करके मेरी आईडी जनरेट कर देगी। यू आर नाउ इंटरेस्टेड टू स्टार्ट इनरोलमेंट। दोस्तों चलिए इस मैसेज को मैं यहाँ पे कॉपी करके लेके चलता हूँ ताकि आपको पूरा यहाँ पे समझ में आए। इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ गूगल के माध्यम से, गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद दोस्तों पूरा यहाँ पे ट्रांसलेट होगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम है प्रिय विष्णुधर, आपको RISL के परिवर्तक रूप में नियुक्त किया गया है, यानी आपकी परिवर्तक आईडी यहाँ पे DOCRG करके हमें बताएगी। अब आप नामांकन शुरू करने के हकदार हैं, कृपया ध्यान दें कि आपका पासवर्ड UIDAI के पोर्टल यानी पोर्टल UID.GOV के लिए एक अलग ईमेल भेजा जाएगा, यानी मेरे को पासवर्ड आईडी सेंड कर देगी। दोस्तों आपको बता दो RISC ये क्या सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं ये क्या सिस्टम है, तब आपको समझ में आएगा ये किससे है गूगल। चलिए गूगल में आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट के बाद इंटर यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं IRCS यानी राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड। तो इसके दोस्तों यानी जो आधार के लिए हमने अप्लाई किया तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, जो यहाँ पे मेरी आईडी भी जनरेट होगी है, लेकिन एक दो दिन के अंदर टेबलेट वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। मिलने के बाद पूरी प्रोसेसिंग आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करें। तो आपके पास दोस्तों दो तरह की मेल आएगी, आपको मेल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आधार सुपरवाइज एक्टिवेशन, तो यहाँ पे AadharUID.NET-IN से आपकी मेल आएगी आपके पास, और इस मेल में आपको लिखा होगा कि अगर आपने आधार के लिए एग्जाम किया तो आपका जो आईडी सुपरवाइजर आईडी वगैरह वो आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास दूसरा मेल आएगा, उसमें आपको पासवर्ड दिए होंगे तो आप लॉगिन करके पासवर्ड रीसेट करने होंगे। तो ये देते दोस्तों एक छोटी जानकारी, उम्मीद करूंगा आपको जानकारी वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों बहुत जल्द हमें टैबलेट मिल जाएगा, मिलता ही आपको वीडियो बनाएंगे किस तरह से यहाँ पे एक्टिवेट वगैरह करनी है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।